हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. टुडे आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज टुडे इज़ माय बर्थडे. तो जैसे बर्थडे वाले दिन हमको होता है कि जो हमारे लिए स्पेशल होती है कुछ चीज़ें, और उसके लिए हम टाइम निकालते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करना हमको अच्छा लगता है. सो ऑब्वियसली यूट्यूब इज़ सो स्पेशल फॉर मी, एंड दिस इज़ जस्ट माई बिगनिंग. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू शेयर अ वीडियो विद यू. तो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको वीज़ा एप्लीकेशन का जो पूरा सम अप है वो आपको बताने जा रही हूँ. तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. प्लीज़ इस वीडियो को देखना और शेयर करना दूसरे लोगों के भी साथ, क्योंकि मैं आज कॉमन मिस्टेक्स बता रही हूँ आपको, जो हम करते हैं, जिस मैंने भी की है 2-3, और इस कॉमन मिस्टेक्स की वजह से हमारी जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ाइल है या हमारी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है. तो ज़रूरी नहीं होता है कि हम खुद गलतियां करके सीखें, हम किसी की गलतियों से भी सीख सकते हैं. तो इसीलिए मैं खुद का एक्सपीरियंस ऐड करके और इधर उधर से जो नॉलेज है वो सारी गेन करके आपको बताना चाहती हूँ. तो सबसे पहली बात, आपका जो एजेंट है वो एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल होना चाहिए. मैंने एक वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि हम एक गलत एजेंट के पास चले जाते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा दूर क्या जाना यार, पास में कोई शहर है वहाँ पर कोई एजेंट ढूंढ कर चले जाते हैं. और कई बार हमको कोई रेफ़र करता है, हम उस वजह से किसी गलत एजेंट के पास चले जाते हैं. तो सबके डिफरेंट रीज़न्स है. अगर आपका एजेंट एक्सपीरियंस्ड नहीं है और उसको ज़्यादा नहीं पता कि कौन सी फ़ाइल, कौन सा कॉलेज, कौन सी एजुकेशन, सबको कैसे लिंक करके फ़ाइल अप्लाई करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपका प्रोसेस कभी ना कभी जो है बीच में रुक जाएगा. तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीज़ा का प्रोसेस हम सबको पता है कि 2-3 मंथ का तो होता ही है अप्रॉक्सीमेटली. तो ज़रूरी थोड़ा है कि हम अपना जो फ़ाइल है वो ख़राब करें, और हमारा गैप भी पड़ सकता है. तो इसी में आपको ये सब बातें कह के डरा नहीं रही, रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड निकलते हैं कुछ एजेंट. तो इसीलिए ना डिस्टेंस के बारे में सोचो, ना ही किसी के स्ट्रेस में आके कोई डिसीज़न लो. अपनी मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स से सलाह करके अपने लिए एक अच्छा एजेंट ढूंढो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करे टिल योर वीज़ा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज़ द मेन स्टेप. दूसरी बात, जैसे हमारी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो सबकी डिफरेंट होती है. कोई बच्चा 12th करके आता है, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन. तो आपको अपनी एजुकेशन पता है क्योंकि आप उसने स्टडी की है. तो आप अपने प्रोग्राम चूज़ करो, जो करोगे तो उसको वाइजली चूज़ करो. आई मीन टू से, जैसे मेरा BSc नॉन मेडिकल था, तो मैंने देखा था, सर्च किया था थोड़ा बहुत कि कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो मैं जिसके लिए अप्लाई कर सकती हूँ. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड डिफरेंट होता है और जिस प्रोग्राम को हम अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट होता है. और जब हमारा वीज़ा लास्ट स्टेप आता है तो वो सोचते हैं एम्बेसी वाले कि बच्चे की स्टडी के टोटली डिफरेंट है. तो कई बार ये रीज़न भी होता है कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है. तो इसीलिए आपकी कैनेडा वाला प्रोग्राम आपकी इंडिया वाली एजुकेशन के साथ लिंक करना चाहिए. वो अदरवाइज उनको सीधे ही पता चल जाएगा कि बच्चे की स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम चूज़ कर रहा है. तो थर्ड बात मैं आपको अगर बताऊं, जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है अपने पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, आपका जो कॉलेज है वो SDS होना चाहिए. उनके पास DLI नंबर होना चाहिए, क्योंकि फिर ही आपको वर्क परमिट मिलेगा. अगर आप किसी नॉन SDS कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई करोगे तो आपको बाद में आके दिक्कत होगी. कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक बार कैनेडा चले जाए, बाद में देखेंगे क्या होता है. ऐसा प्लीज़ बिल्कुल सोच के मत आओ, क्योंकि वो टाइम जल्दी आ जाता है. तो इसीलिए अपनी जो आपके स्टेप्स हैं, आपके डिसीजंस हैं, वो वाइज होने चाहिए. एक, अब जो मैंने आपको 3 बातें बताई है कि आपका एजेंट सही होना चाहिए, आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए, और आपका कॉलेज SDS होना चाहिए. आपका प्रोग्राम जो चूज़ जब आप करोगे, अपने एजेंट से बात करोगे, अगर वो प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड होगा तो आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये वाला प्रोग्राम ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरी एजुकेशन से लिंक करता है. अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो खुद आपको अच्छी सलाह देगा, खुद आपको आपकी हेल्प करेगा, कंसल्ट करेगा आपके साथ कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है. तो अगर एजेंट अच्छा मिल जाए ना, तो प्रोग्राम और कॉलेज हमको खुद ही अच्छे मिल जाते हैं. तो जो तीनों ये स्टेप्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं. तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखना इन तीनों बातों का. उसके बाद जैसे आपने
अपना प्रोग्राम के लिए ऑफ़र लेटर भी अप्लाई कर दिया, आपका कॉलेज भी SDS है, और उसके बाद हमारा ऑफ़र लेटर अप्लाई करने के बाद जब हमारा ऑफ़र लेटर आ जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू हमारे स्टेप्स होते रहते हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आप ध्यान से सुनना, 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास ऑलरेडी होते ही है, क्योंकि वो हम सब ऑलरेडी वीज़ा प्रोसेस के पहले हमारे पास होते हैं। तो जैसे ग्रेजुएशन की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रीफर करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट लेना, कुछ नहीं करते। मेरे कॉलेज ने मुझसे कोई ट्रांसक्रिप्ट की कोई डिमांड नहीं की थी, बट फिर भी मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट साथ लेके आई हूँ कैनेडा, क्योंकि क्या पता इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के हो अगर आप, तो ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपका ऑफ़र लेटर, कॉलेज फीस रिसीट, GIC की रिसीट, मेडिकल रिसीट, बायोमेट्रिक्स रिसीट, ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट, एक आपका कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास मेल में तो होंगे क्योंकि आपका एजेंट आपको सेंड करेगा, बट आपके साथ आपके पास इसके प्रिंटआउट्स भी होने चाहिए। अगर मैं आपके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो वो जैसे जो बच्चे 18 प्लस है तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आ सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और जब आप कैनेडा आओगे तो आपका उसमें एक्सपीरियंस पड़ सकता है, तो आपको यहाँ आकर गाड़ी लेने के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और 18 से ज़्यादा होती है, तो जब वो कैनेडा आते हैं तो उनको कुछ टाइम 8 months और 1 year वेट करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप 18 प्लस हो, चाहे आप लड़की लड़के हो लड़की हो, ये मैटर नहीं करता, तो आप ट्राई करना कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के आओ। मैंने तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था और मुझे यहाँ आके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अभी तक मैंने कुछ कार वगैरह नहीं खरीदी क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रही हूँ, तो ये तो सब तो चलो डिफरेंट बात है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एम्बेसी फ़ोटो होती है, जैसे एक तो हमारे पास होती है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक होती है एम्बेसी फ़ोटो। एम्बेसी फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट होती है पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ से। तो जब आप जाओगे स्टूडियो में और उनको बताओगे कि एम्बेसी फ़ोटो चाहिए, आई थिंक ये बायोमेट्रिक्स के पहले चाहिए, वो आपका एजेंट आपको बता देगा, तो वो एम्बेसी फ़ोटो जब आप बोलोगे तो वो अपने की खुद ही खुद वो एक फ़ोटो क्लिक करके दे देंगे, और उसकी आप 10-15 फ़ोटोज़ कैनेडा साथ लेके आओ, क्योंकि यहाँ आकर भी फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी वो फ़ोटो यहाँ पर आके यूज़ कर सकते हो। अगर एक और बात बताऊँ, मेरे पास वैसे तो मेरी फ़ोटोज़ थी 10-15 एम्बेसी फ़ोटो, बट मैंने उनको ये भी कह दिया था कि आप मुझे मेल कर दो। तो अगर जब उन्होंने मुझे ऑनलाइन मेल की तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी कैनेडा की, जितनी बार भी, वो मैंने वो अपनी फ़ोटो सीधे ही अपलोड करती। वो बहुत ही ईजी काम है, आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इसीलिए जो 4th कॉमन मिस्टेक्स है कि कई बार होता है कि बच्चा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट भूल जाता है, तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं जो एक डॉक्यूमेंट भूली थी मैं आपको बताती हूँ, वो था एक्सेप्टेंस लेटर। जब मैं जहाँ पर मेरी स्टे थी वैंकूवर पे, और जैसे हमको एयरपोर्ट कैनेडा एयरपोर्ट में ही हमको हमारा स्टडी परमिट मिल जाता है, तो उन्होंने मुझसे मांगा कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर दो, तो मैंने उनको कोई और लेटर पकड़ा दिया, क्योंकि मेरे एजेंट ने मुझे सारे मेल डॉक्यूमेंट आप फॉरवर्ड कर दिए थे और मैंने उसके प्रिंट आउट भी निकलवा लिए थे, बट मेरे एजेंट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर भूल गया था मुझे फॉरवर्ड करना, और वो स्टडी परमिट लिए उन्होंने वही मांग लिया। तो मैंने उनको बोला कि ये है मेरा एक्सेप्टेंस लेटर, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, ये कुछ और है। तो वो तो चलो अच्छी गुड लक था, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उन्होंने मुझे फिर भी स्टडी परमिट दे दिया। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कोई ना कोई गलती तो रह ही जाती है, तो प्लीज़ हर एक चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद 5th मिस्टेक इज़ हाँ आपका SOP। जो आपका SOP है वो मैंने एक वीडियो बनाई है आप सबके साथ, आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपका जो SOP है वो पूरा इफ़ेक्टिव होना चाहिए, उसमें प्रॉपर रीज़न लिखे होने चाहिए कि आप कैनेडा क्यों आ रहे हो, आपने ये प्रोग्राम क्यों लिया, आपका प्रोग्राम में इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लेन करो, आपका कॉलेज के में क्या क्या ऐसी अच्छी बात है जो आपने यही कॉलेज सेलेक्ट किया। मतलब हमने एम्बेसी वालों को पूरा ट्रस्ट दिलवाना होता है कि वी आर रियली इंटरेस्टेड इन आवर स्टडी, तो वो आपकी जो फाइल है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं आपको एक और मिस्टेक बताऊं जो मैंने की थी, वो थी मेल की। जैसे वैसे तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक मेल को कभी जीमेल अकाउंट को कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। कुछ बच्चे तो करते हैं कुछ नहीं करते, सबका अलग अलग है, क्योंकि हमारी इंडिया में स्टडी ऑनलाइन नहीं होती, तो मुझे कभी ऐसे चांस नहीं मिला अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करने का। तो जब मेरा ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से पहले मुझे मेरे एजेंट ने बता दिया कि अपना सिर्फ एक ही जीमेल आईडी रखो, उसका पासवर्ड याद रखो, क्योंकि तुम्हारा थ्रू आउट यही जीमेल
आईडी यूज़ होने वाली है, तो पासवर्ड वगैरह तो सब कुछ मैंने याद कर लिया था। और एक एजेंट हमारा पोर्टल बनाते हैं हमारा ऑनलाइन फाइल के लिए, वो कई बार तो पासवर्ड हमसे शेयर करते हैं, कई बार नहीं करते। मेरे वाले एजेंट ने मुझको पासवर्ड नहीं शेयर किया था, तो इसलिए उसने मुझे बोला था कि जो भी मेल आएगी आप तुम्हारी वो तुमने मुझे फॉरवर्ड करनी है। मैंने सारी मेल्स फॉरवर्ड की, बट मैंने एक मेल को इग्नोर कर दिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेल थी, वो थी मेरी वीज़ा अप्रूवल की। जिस टाइम हम वेट कर रहे हैं कि हमारा वीज़ा एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जिसमें हमको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, मैंने उस मेल को ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई अभी तक मेल ही नहीं आई। मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या था। जैसे ऑफ़र लेटर, मेडिकल वगैरह सब कुछ मैंने फॉरवर्ड किया, और जो मुझे वीज़ा अप्रूवल की मेल आई, वो कभी भी उसका सब्जेक्ट या टाइटल ऐसा नहीं लिखा होता है कि आपकी वीज़ा के रिगार्डिंग एप्लीकेशन है। मैं आपको अभी स्लाइड में आप देख सकते हो, ऐसी आप कुछ ऐसी मेल आती है, समथिंग काइंड लाइक काइंड ऑफ दिस फोटो, आपको एक मेल आएगी और इससे आपको आइडिया नहीं होगा कि ये किस बात की है, और इसका जो टाइटल है वो है नो रिप्लाई। तो हम सोचते हैं कि यार शायद ऐसी कुछ मेल्स आती रहती है, स्कैम वगैरह कुछ ऐसा होगा। तो मैंने ये वाली मेल फॉरवर्ड नहीं की, और जब मेरे लाइक 15 डेज से ज़्यादा हो गए तो मैं ज़्यादा टेंशन में चली गई कि यार, क्योंकि ऑनलाइन जो वीज़ा होता है वो 1 मंथ में आ जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा तो वीज़ा नहीं आएगा। बट जब मैंने डबल चेक किया ध्यान से, मैंने सोचा कि सिर्फ एक ही रह गई, और मैंने जब वो फॉरवर्ड की अपने एजेंट को, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट हो गया है और तुम अपना पासपोर्ट सबमिट करा के आओ। तो मैं दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे खुशी थी इस बात की। और मैंने एक साथ ही साथ मैंने ये भी बात सीख ली कि जो मुझे फर्स्ट डे मुझे एजेंट ने बोला था कि किसी भी मेल को इग्नोर मत करना, वही गलती मैंने लास्ट में कर दी। क्योंकि अगर हम वीज़ा अप्रूवल की मेल 1 से ज़्यादा हमको हो जाए, हमको ना पता चले, तो वो कुछ कैंसिल कर देते हैं, तो ऑब्वियसली कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज़ आप अपनी मेल्स रेगुलरली चेक करते जाओ डेली, और अपने एजेंट के एजेंट को फॉरवर्ड करते जाओ, ताजो आप पूरे अपडेट रह सको अपनी एप्लीकेशन के ड्यूरिंग। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब मैं आपके साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।